हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल फरहाज़ लाइफ। आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे। सो आज का जो वीडियो है ये होने वाला है कि हम जो है अगर चाहते हैं कि हमारा मेकअप बेस जो है वो काफ़ी ड्यूई लगे और ग्लोई लगे, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड बहुत से लोगों को ये पसंद होता है कि उनका फेस जो है ना कम्प्लीटली मैट ऐसे पाउडर टाइप का मेकअप ना लगे उनका, उसके बजाय बहुत ही ग्लोई सा ड्यूई लगे। सो मैं आपको यही बताऊँगी कि वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पसंद आएगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ मैंने अपना आई मेकअप किया हुआ है। एंड हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छा बेस लेयर, मतलब अगर हमें चाहिए कि हमारा बेस बहुत अच्छा हो तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने से। सो मैंने एक बहुत ही हाइड्रेटिंग पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लिया था, क्रीम ली थी और उससे अपने पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़ कर लिया फेस को, ताकि अच्छा सा बेस प्रोवाइड हो, हाइड्रेटेड, सूखा सा, ड्राई सा ना लगे। देन उसके बाद मैंने अपने फेस को प्राइम करना स्टार्ट किया था। थोड़ी देर मॉइस्चराइज़र लगे रहने दिया था, उसको छोड़ दिया था फॉर 30 सेकेंड्स एंड ऑल, सो ताकि वो मेरे स्किन में सिंक हो जाए। फिर आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे जो प्राइमर है वो किस तरीके से लगा रही हूँ। मैं ये प्राइमर जो था वो टी जोन्स पे लगाया था मैंने, ताकि जो पोर्स हैं वो ब्लर हो जाए। देन गाइस हम स्टार्ट करेंगे बेस अपना मार्स के इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है ये भी, बट इसमें प्राइमर वाले कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि ये बहुत अच्छा इल्यूमिनेटर है। हम ग्लोई बेस की बात कर रहे हैं तो हम बेस भी अपना ग्लोई उससे स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा ग्लो आया है इसको लगाने के बाद। वेरी अमेजिंग एंड वेरी अफोर्डेबल इल्यूमिनेटर आई वुड से, कि आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो विदाउट ए डाउट ले सकते हैं। शेड्स जो हैं मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सभी प्रोडक्ट्स के। देन गाइज अब मैं फाउंडेशन लगाने से स्टार्ट कर रही हूँ अपना मेकअप। सो जो फाउंडेशन है उसके लिए आपको अगर एक ग्लोई बेस चाहिए तो आप याद रखिए कि आप कोई भी ऐसा फाउंडेशन लीजिए जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग हो और आपको ड्यूई फिनिश प्रोवाइड करे, और मैट फिनिश वाला फाउंडेशन मत पिक कीजिएगा इसके लिए। सो मैंने यहाँ पे लिया है ये बायोटीक का हाइड्रेटेड फाउंडेशन। वैसे तो मैं ये फाउंडेशन किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा, बट ये ज़रूर है कि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और बहुत ही ड्यूई और ग्लोई इफ़ेक्ट आपके फेस को प्रोवाइड करता है। सो मैं ये मेरे पास है तो इसलिए मैं कभी कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ होता है फेस पे, और बिल्कुल आपका जो फेस का जो इसका ओरिजिनल शेड था उससे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ होकर अलग ही शेड बन जाता है बिल्कुल आपके फेस का। देन यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है, और आप इसको लगाने के बाद देखिए मेरा फेस कितना ही हाइड्रेटेड शो कर रहा है और ग्लोई शो कर रहा है। अब अपने आईज़ को और जो भी पिगमेंटेड एरियाज़ हैं उनको कंसील करने के लिए मैं यहाँ पे जो कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ वो भी एक ऐसा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे स्किन टोन से, जो मेरा शेड है उससे कम से कम 1 या 2 शेड लाइटर हो, जिससे कि मेरा फेस जो है वो हाईलाइटेड शो हो। सो मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और उससे मैंने अपने सारे यूजुअल हाईलाइटिंग पॉइंट्स को जो है अच्छे से कंसील कर लिया है। एंड अगेन गाइज़ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि जब आप फाउंडेशन पिक करते हैं तो फाउंडेशन आप अगर देखना चाहते हैं कोई भी हाइड्रेटेड या ग्लोई, तो आपकी जो फाउंडेशन है उस पर लिखा होता है हाइड्रेटिंग या फिर ग्लोई या फिर ड्यूई फिनिश, तो ऐसा देख के आप पिक कीजिएगा। देन यहाँ पे मैं फ्लॉलेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का लूज़ पाउडर अपने मेकअप को सेट करने के लिए। सो क्योंकि मैं ड्यूई फिनिश चाहती हूँ तो मैं अपने फेस को सेट ज़रूर करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर यहाँ यूज़ नहीं करूँगी। सो मैंने अंडर आई एरियाज़ को सेट कर लिया, नोज़ को, अपर लिप्स को, पूरे फेस को सेट करूँगी, मगर मतलब कम प्रोडक्ट लेके, जिससे कि मेरा फेस जो है ज़्यादा मैट भी ना हो। और देख सकते हैं आप पाउडर लगाने के बाद भी कितना ड्यूई दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर डूइंग दिस मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की थी अपना फेस मेकअप, जो कि है कॉन्टोरिंग। वो ये अपने आप को चिक्स कंटोर कर लेने हैं, नोज़ कंटोर कर लेनी है, जॉ लाइन, आपका फोरहेड, जो भी यूजुअल कंटोरिंग स्ट्रक्चर देता है आपके फेस को, वो एरियाज़ को आपको जहाँ जहाँ पसंद है आप कंटोरिंग कर लीजिएगा। एंड कंटोरिंग करने के बाद हमें ब्लश लगा लेना है, और ब्लश मैंने यहाँ पे एक पिंकी ब्लश यूज़ करा था, वो लगा लीजिएगा। एंड गाइस ब्लश लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हाइलाइटर, जिससे कि हमारा मेकअप और ग्लोई दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बिल्कुल भी चंकी नहीं है। सो आप कोई ऐसा हाइलाइटर ही पिक कीजिएगा जिसमें चंकी पार्टिकल्स ना हो, बहुत स्मूथ हाइलाइटर हो। सो ये वाला मैंने यहाँ पे लिया है और उसको लेके अपने यूजुअल पॉइंट्स पे हाईलाइट कर लिया है, जैसे आपका ये जो चीक बोन होती है इस पे और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, और आपका फोरहेड का ये वाला पोर्शन जो होता है ना, यहाँ पे भी हाईलाइटिंग किया कीजिए। तो ये आप जब फेस टर्न करते हैं इधर उधर तो वो बहुत अच्छे से आपका फेस पे शाइन दिखाता है, अपर लिप्स एंड चिन पे। नाउ अपने मेकअप बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे आप जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी जो यूज़ करेंगे, मेकअप सेटिंग स्प्रे भी जो यूज़ करेंगे, वो भी मेक श्योर ऐसा यूज़ कीजिएगा जिसमें ड्यूई फिनिश लिखा हो। सो इसको मैंने लगा लिया एंड देन फाइनल टचअप जो है मैं लिपस्टिक का दूंगी। नाउ गाइस हियर यू कैन सी फाइनल मेकअप मेरा कितना ग्लोई और कितना ब्यूटीफुल टर्नड आउट हुआ है। इसी तरीके से ग्लोई मेकअप आप अचीव कर सकते हैं और इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी हैं ऐसा मेकअप अचीव करने के लिए। सो गाइज़ आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।